जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कि क्लास नाइन्थ का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका बिहार बोर्ड के द्वारा जो है सो डेट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस डेट को देखते हैं और पूरी जानकारी को देखते हैं कि बिहार बोर्ड ने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना वो क्या क्या कहा है। ठीक है, चलिए। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए ताकि आप लोग को यह इसी तरीके से पूरी जानकारी आप लोग को मिलता रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो सो तैयारी हो वो आपका बेहतर से बेहतर हो क्लास 9 से 12 तक, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को इस चैनल के माध्यम से आप लोग बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग का टॉपिक था कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए राज्य के शिक्षण संस्थानों में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन का जो अवधि है वो विस्तारित यानी कि बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यानी अभी आप लोग देख सकते हैं कि 2024 में जो छात्र छात्राएं नाइन्थ में हैं 2025 में वो टेंथ में जाएंगे और 2026 में उनका फाइनल बोर्ड परीक्षा का एग्जाम होगा। 2024 में फाइनल बोर्ड परीक्षा का एग्जाम होगा उनके संबंध में है, यानी कह सकते हैं कि 2024 से 2026 सेशन वालों के लिए हैं जो अभी 2024 में नाइन्थ में हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि राज्य के माध्यमिक स्तर के शिक्षण संस्थानों के प्रधान यानी कि हर स्कूल के प्रिंसिपल साहब संस्थान के 9वीं कक्षा में विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म विस्तारित अवधि में दिनांक 29/7/2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो इस लाइन के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जो क्लास नाइन्थ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो डेट है वो 29/7/2024 तक बढ़ा दिया गया है और यह ऑफिशियल बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आप लोग को इस वेबसाइट के माध्यम से कोई भी फॉर्म डाउनलोड नहीं करना है। ये आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा और कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा और कैसे फॉर्म को भरेगा वो पूरी जानकारी हम आगे आपको वीडियो में बताने वाले, तो आप लोग बने रहिए। देखिए, समिति की उक्त वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के प्रति अपलोड कर दिया गया। बिहार बोर्ड कहता है ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से कि जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है क्लास नाइन्थ का उसका इस वेबसाइट पर आपको अपलोड कर दिया गया है, तो आपको यहां से डाउनलोड बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आपको यह फॉर्म आपके जिस स्कूल में एडमिशन कराए होंगे उस स्कूल के हेडमास्टर साहब यानी कि प्रिंसिपल साहब वो खुद से डाउनलोड करवाएंगे और डाउनलोड करके आपको एक सूचित सूचना निकालेंगे और फिर इस डेट के अनुसार अपने डेट के अनुसार वो फॉर्म को वितरित यानी कि आप लोग को स्कूल में फॉर्म मिलेगा और वहाँ से क्या क्या प्रक्रिया होने वाला है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है आपको बताएंगे और कितना रुपये लगने वाला है, कौन सा स्टूडेंट का कौन सा कैटेगरी का कितना लगने वाला है आपको पूरी जानकारी स्कूल में देंगे। ये इधर उधर आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधे समझे कि यह फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, तो आपको स्कूल से मिलेगा। फिर आप लोग को जब स्कूल से फॉर्म मिलेगा तो आपको उसमें पूरी तरीके से जीरोक्स यानी कि फोटो स्टेट के साथ आपका जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उन सभी को आप लोग देंगे। फिर उसके बाद फॉर्म को अच्छी तरीके से भरने के बाद जब आप फॉर्म जमा करने जाएंगे तो आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, उस पैसा को जमा करना पड़ेगा और जमा पैसा कब तक होगा उसको भी हम जानकारी आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फॉर्म लेना है, फॉर्म को जमा जैसे भर करके उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले उसका आपको फोटोकॉपी साथ में दे करके पैसा जमा कर करके आपको स्कूल को दे देना है यानी प्रिंसिपल साहब को। प्रिंसिपल साहब इस फॉर्म को आपको जांच करेंगे फिर से क्या गलती है क्या सही है, फिर आपको अगर कह देंगे कि हाँ बेटा सही है फिर आगे आपका प्रक्रिया जैसे शुरू हो जाएगा, आपका काम वहाँ से ख़त्म। ठीक है, फिर इस फॉर्म को जांच करने के बाद प्रिंसिपल साहब क्या करेंगे कि भुगतान जो करेंगे क्योंकि आप तो पैसा दे चुके हैं रजिस्ट्रेशन का, तो प्रिंसिपल साहब करेंगे क्या कि 26/7/2024 तक वो पैसा को बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ये कटाएंगे। अगर ये 26/7/2024 तक जो सो पैसा नहीं कटाते हैं तो आगे यह पैसा नहीं लिया जाएगा और उन छात्रों को रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो 29/7/2024 तक किया गया है इतना तक नहीं कर पाएंगे। अगर वह प्रिंसिपल साहब 26/7/2024 तक पैसा जमा नहीं करते हैं बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है, तो वो 29/7/2024 तक वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा सकते हैं। तो ये था जानकारी आप लोग को क्लास नाइन्थ के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आप लोग क्लास नाइन्थ से ट्वेल्थ तक ही अगर आप लोग पूरी जानकारी लेना चाहते हैं इसी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए और अपनी तैयारी के लिए बेहतर इस चैनल पर आप लोग जैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा हुआ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर किसी भी तरीके से आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को यह नंबर पर कॉन्टैक्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको कोई प्रक्रिया में दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि आप लोग को जो भी दिक्कत होगा आप लोग प्रिंसिपल से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली जानकारियों के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सभी लोग को जय हिंद।